और अब आपको सीधे लिए चलते हैं वेंकैया नायडू की रिहाइश गाह पर, जहां पर नुक्कड़ नाटक का एहतमाम हो रहा है और अभी इत्तिलात और नशरियात के वजीर वेंकैया नायडू कुछ बोल रहे हैं। अधिकारी और संजीवनी जो स्वयं से एक संगठना है, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, इसका सभी कार्यनिर्वाहक सदस्यगण और आज इस कार्यक्रम में मेरे घर में पहली बार ये इसका प्रारंभ का समय में कालिंदी विद्यालय का जो लड़कियाँ बेटियाँ आके एक अच्छा नुक्कड़ नाटक का प्रदर्शन किया, मैं सबको मेरे ओर से, मेरा मंत्रालय के ओर से सबको शुभकामना देना चाहता हूँ, अभिनंदन करना चाहता हूँ। अपने बढ़िया काम आपने लिया है। आई वुड लाइक टू रियली कंग्रेचुलेट दी वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन संजीवनी एंड ऑल्सो द स्टूडेंट्स, पर्टिकुलर दी गर्ल्स, चिल्ड्रन ऑफ द कालिंदी स्कूल of East Patel Nagar for the work they are taking for creating social awareness among the people. Jaisa bachchon ne abhi kaha hai, ye Swachh Bharat safal banane ke liye sabse mahatvapurna kadam ye hona chahiye, soch badalna hai. Soch badle to sab kuch badal jayega. If you are able to change the mindset, you can change everything. This is the central theme of the Swachh Bharat अभियान। बहुत साल से हमारे देश में हम सब लोग सोचने लगे कि स्वच्छता, एक क्लीनलीनेस, ये केवल सरकार का काम है। सरकार माने कौन है? ये केवल सरकार का काम नहीं, हम सबका काम है। ऐसी मानसिकता से हम लोग पहले बाहर आना चाहिए। सब काम सरकार करेगा, हम बेकार बैठे तो चलेगा? आजकल वो चलेगा नहीं। हम सरकार के साथ हाथ मिला के हर एक नागरिक अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री शुड बिकम पार्टनर्स इन दिस, बिकॉज दिस इज कंसर्न विद आवर डेली लाइफ, आवर हाउस, आवर प्लेस ऑफ वर्शिप, टेम्पल, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च एंड एनी प्लेस ऑफ वर्शिप, आवर मकान और दुकान और कार्यालय तो देवालय, सब इलाके में स्वच्छता होना चाहिए। मन में, तन में, द माइंड इन द बॉडी, यू हैव टू ब्रिंग द चेंज, देन ओनली दिस प्रोग्राम विल बी सक्सेसफुल। बिकॉज द प्रधानमंत्री जी ने, श्री नरेंद्र मोदी जी, हम प्रियतम प्रधानमंत्री ने, देश के सामने सबसे बड़ी चुनौतियां है जिसको हम लोगों ने अनदेखा किया, उसके बारे में उन्होंने खुद इनिशिएटिव लेके महात्मा गांधी जी का जयंती के अवसर पर उन्होंने एक कॉल दिया है देशवासियों को। हम 75 इयर्स पूरा हो रहे आज़ादी आके, हम लोग पूरा देश में आने वाले दिनों में स्वच्छता लाना चाहिए हर एक स्तर पर। और उस समय उन्होंने कहा, वेंकैया जी, ये विषय आपका विभाग का है, मगर ये सरकारी कार्यक्रम नहीं होना चाहिए, ये इसको एक जन आंदोलन का रूप दीजिए, ऐसा प्रधानमंत्री ने मुझे कहा। ही सेड दिस शुड नॉट बी ए गवर्नमेंटल प्रोग्राम, this should not be a party program, this should not have any politics in this, we should become a people's movement, then only it will succeed, aisa pradhanmantri ne kaha. pradhanmantri ji ka margadarshan aur prerna lene ke baad maine sabhi mukhyamantriyon ko chitti likha, governors ko, rajyapalon ko chitti likha, aur desh mein sabhi film industry ko aur desh mein sabhi ye mara sports icons ko, रिलीजियस स्पिरिचुअल लीडर्स को और साथ ही साथ इंडस्ट्री को, मीडिया को, सबसे हमने अनुरोध किया, कृपया इस कार्यक्रम को मदद करिए, इसको एक जन आंदोलन रूप देने में आप भी शामिल हो जाइए, ऐसा मैंने अनुरोध किया। ये खुशी का बात है, देश भर में बहुत लोग, क्रिकेटर, स्पोर्ट्स पर्सन, सिनेमा एक्टर्स, डायरेक्टर्स एंड ऑल्सो इंडस्ट्री, बिजनेस पीपल, लॉट ऑफ पीपल, दे ऑल ज्वाइन टुगेदर, दे आर ऑल इन देयर ओन वे participating in making this program a people's program. So keeping that in mind, I'm very happy. मेरा granddaughter school में पढ़ती है, संस्कृत school में, मुझे बता रहे थे school में एक बेटी ने, ये बच्ची ने chocolate खा के वो रैपर छोड़ रहे थे, दूसरी लड़की ने उसको पकड़ा और कहा, स्वच्छ भारत मोड़ी, ऐसा याद दिला रहे थे उनको। तो दैट मीन्स इट इज गोइंग अप टू द चिल्ड्रन ऑल्सो।
आपने बीच में देखा होगा अमिताभ बच्चन जी भी बच्चों के साथ उन्होंने एक दिन का पूरा कार्यक्रम दिया। आगे भी उन्होंने हमको आश्वासन दिया आने वाले दिनों में और भी साथ देंगे इस इन कार्यक्रमों में। ऐसा बहुत लोग, मैं सबका नाम लेना संभव नहीं है, बहुत लोग साथ दे रहे। मैं आज दिल्ली का संजीवनी नाम, ये स्वच्छता भी संजीवनी में एक अंग है। संजीवनी, इफ़ यू वॉन्ट टू बी लीडिंग ए हेल्दी लाइफ यू नीड टू बी क्लीन, यू नीड टू बी ग्रीन, यू हैव टू कीप योर सराउंडिंग्स, यू हैव टू कीप योर सेल्फ ऑल्सो क्लीन। एंड ये एक दिन का कार्यक्रम नहीं है, एक नुक्कड़ नाटक का एक प्रेरणा देने के लिए, एक मोटिवेट करने के लिए, जनता में जागृत पैदा करने के लिए उपयोग में आता है। मगर एक दिन का कार्यक्रम है ना, जैसा हम लोग पुरुष है तो हम दाढ़ी हर एक दिन शेव करते हैं, आज किया मैं अगला साल करूंगा, तो कहे तो फिर आप स्वामी जी बन जाएंगे। तो इसलिए हर एक दिन करना पड़ेगा। जैसा हम दंत का ये करते हैं ना, दंतावधान करते हैं, वी ब्रश द टीथ ऑल्सो एवरी डे, वी कुम अवर हेयर ऑल्सो एवरी डे, लाइक दैट दिस शुड बी पार्ट ऑफ अवर लाइफ। इन एवरी एस्पेक्ट वी शुड परफॉर्म अवर रेस्पॉन्सिबिलिटी, इवन द shopkeeper, the mall owner, the hall owner, or the restaurant people, or the hotel owners, or the schools, or the colleges, or institutions, everybody should take first to see that their premises is kept clean, number one. They keep a dustbin also outside, then the dustbin also cleaned. This is not to be left to only municipal workers. Unka kaam hai, magar saath hi saath janta bhi usme bhagidari hona chahiye, tabhi ye karyakram safal ho jayega. Main aur ek baar, ye kalindini विद्यालय का बेटी रोज आए, आज आए, एक अच्छा प्रदर्शन उन्होंने किया, शुरुआत लिया। इस उम्र में ऐसा एक आदर्श काम स्वच्छता के लिए लेना, ये बहुत अभिनंदनीय है। इसलिए मैं मन से उन सबको अभिनंदन दे रहा हूँ, बच्चियों को और उनका स्कूल को, स्कूल मैनेजमेंट को, और संजीवनी ये स्वयंसेवक संगठन इसको भी मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ ये कार्यक्रम सफल हो जाए। 70 इलाके में दिल्ली में ये कार्यक्रम आप लोग लेने वाले हैं, ऐसी और अनेक संगठन सामने आके ऐसी कार्यक्रम लेके आगे बढ़ना और इस स्वच्छता अभियान को सफल बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। ठीक है।